कुछ कहना चाहेंगे मिस्टर और प्रतीक? नो, मास्टर और प्रतीक। हेलो जी, नमस्ते। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। उम्मीद करती हूँ भाई सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे और अपने अपने कामों में लगे हुए होंगे। तो सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैंने चला दी है चक्की, आटा पीसना है। तो भाई दिन में तो लाइट देते नहीं है अभी, तो सुबह शाम के टाइम में ही जो काम होता है, चक्की वगैरह चलानी होती है, प्रेस करनी होती है, तो वो काम मैं निपटा लेती हूँ सुबह या फिर शाम के टाइम में। और हल्का फुल्का अगर थोड़े बहुत कपड़ों को प्रेस करनी होती है या वैसा मशीन चलानी, कपड़े धोने की सिलाई वाली चलानी है, मोटर चलानी है पानी की, तो वो काम हो जाते हैं। इन्वर्टर में सोलर प्लेट है, उनमें हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने चक्की चला दी है, 7:30 बजे के करीब लाइट चली जाती है। और साथ में ही मैंने लगा दी थी जो मशीन है, कपड़े धोने के लिए डाल दिए थे। तो भी कपड़े तो दूसरे तीसरे दिन हो ही जाते, और ज़्यादा कपड़े इकट्ठे में बिल्कुल भी नहीं करती, थोड़े थोड़े होते रहते हैं और साथ के साथ मैं धो देती हूँ। उसके बाद मैं लगी थी मैं झाड़ू लगाने, झाड़ू लगा कर फिर लगाया, फटाफट से पहुँचा। साफ़ सफाई चली हुई है, तो भी हल्की फुल्की सी बूंदाबांदी हुई थी, उसके कारण थोड़ी सी जो मिट्टी है, धूल है, वो दब चुकी थी। तो आज इतनी धूल मिट्टी थी नहीं, जल्दी ही हो गई थी जो भी है साफ़ सफाई वो। तो झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं लग गई थी पोछा लगाने के लिए, और उसके बाद मैं नहा धो के करनी है भी पूजा, तो ये काम हो जाता है। अभी जो चारों तरफ ये है कि भी गेहूँ का काम चल रहा है, तो बहुत सारी टिफी है वो आ जाती है, किसी का तूड़ आ रहा है, किसी के गेहूँ आ रहे हैं। और ये चौक का ये यहाँ से खुला हुआ है, तो इसके अंदर से तो बस पूछो ही मत, इतनी ज़्यादा धूल मिट्टी आती है कि डेली का हो जाता है। अभी ये जो दरवाजे होते को चॉकलेट कलर के हैं, तो इन के ऊपर भी ऐसी लेयर जमा हो जाती है, फ्रिज है उसके ऊपर भी, और जो कैम्फर रखा हुआ, मटका रखा हुआ है, इतनी ज़्यादा हो जाती है। भी सुबह उठते हैं ना, तो चारों तरफ धूल ही धूल दिखाई देती है, जैसे कि वही घर में ही गेहूँ निकाल रखे हों, तो चारों तरफ धूल का माहौल हो रखा है, तो भाई घर में तो आएगी ही। इसके बाद में मैं लग गई थी यहाँ पे जो पूजा है वो करने के लिए, और मैंने डाल लिया है अपना ये नाइट सूट। नाइट में तो भाई सूट डाले ही सो जाती हूँ, और सुबह के टाइम में ये होता है कि भाई कहीं आना जाना हो तो फिर मैं नहा धो के टी शर्ट लोअर या फिर नाइट सूट ये डाल लेती हूँ, और फिर बाद में काम होने के बाद कहीं आना जाना हो या फिर कोई वीडियो ऐसी बनानी हो, तो फिर मैं वैसे अपना सूट बाद में डाल लेती हूँ। क्योंकि भी काम करते टाइम अब तो भी गर्मी का मौसम हो रखा है, पसीना तो वैसे ही आ जाता है, और किचन में काम करेंगे तो हल्का फुल्का जैसे आटा वगैरह गूंदे हैं तो भी लग जाती है। अब आ गई थी भी किचन में, तो यहाँ पे मैंने गूंद लिया है आटा, उसके बाद उससे पहले ही बना के रख दिया था बूंदी वाला रायता। खूब सारी आज भी दही बना रखी है, क्योंकि कल का जो दूध है बिल्कुल भी यूज़ नहीं हो पाया, पतिदेव भी घर पे नहीं थे, तो जो दूध है वो ऐसे कैसे ही रखा हुआ था। फिर कल सुबह के टाइम पर ही मैंने जमा दी थी दही, और आज सुबह के टाइम तक वो बिल्कुल एकदम बढ़िया वाली हो चुकी थी,
दिन में तो भाई बाहर ही रखी रही, और रात के टाइम में फिर मैंने फ्रिज में रख दी थी। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने लगाई है नेल पेंट, और रात के टाइम पे ही लगाई थी मेहंदी। हाथों में तो लगाई नहीं क्योंकि पहले की जो लगी हुई है वही है, नेल पेंट लगा लिया। हेलो जी, नमस्ते, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आज की एक और नई वीडियो में। उम्मीद करते हैं भाई सब बढ़िया होंगे, एकदम मस्त होंगे। 11:30-12 बजे का टाइम हो रखा है, सारा काम हो चुका अभी घर का तो। और अभी मैंने फ़िलहाल लगाई थी नेल पेंट, डार्क मैरून कलर की है, क्योंकि इस कलर का जो सूट है वो डालूंगी मैं, तो चाक पूछ जाएंगे आज, और हाँ शादी भी है तो भी चाक पे ये वाला सूट डालना है मेरे को, मैरून जो मैंने होली पे डाला था, तो उस कलर की मैंने लगा ली है नेल पेंट। और हाथों में मेहंदी नहीं लगाई क्योंकि पहले वाली ये नहीं उतर रही थी, एक हाथ पे सोच रही थी पर वो भी मेरी कैंसिल हो गई। फिर सोचूं कि एनिवर्सरी आने वाली है 30 तारीख की, 26 तारीख का मेरा जन्मदिन है, तो फिर लगा लूँगी भी, क्यों बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना होया कि भाई अपनी जो शादी की एनिवर्सरी है उस पे लगाऊंगी, दूसरे की शादी में मेहंदी लगा कर, तो बस इसलिए मैंने टाल कर दी क्योंकि उतरी भी नहीं थी भाई। और अभी बस जो चूड़ी है वो निकाल लेती हूँ, एक ऑरेंज कलर वाले सूट की, एक ही जो मैरून कलर वाला सूट है उसकी निकालूंगी, फिर रात के टाइम पे जो शादी में पहन कर जाऊंगी वो वाला गरारे वाला सूट है उसके लिए चूड़ा निकाल लूंगी, वो तो निकाल कर रख रखा है, थोड़ी सी तैयारी करके रख दूँ ना, फिर ड्रेसिंग टेबल को भी गुजड़ पुजड़ कर दूंगी मैं, तो अभी निकाल कर रख देती हूँ। इशिका के एक सूट पर फिटिंग मारनी है, तो भी मशीन का काम तो चाहे कुछ भी हो जाए मशीन का तो भी करना ही करना रहता है, तो इसका सूट है उसको थोड़ी सी फिटिंग मार कर उसको भी तैयार कर दूँ। अगर ये पहनना चाहोगी तो चाक पूछ जाएंगे, उस टाइम पे पैर लेगी, ब्लू वाला एक सूट है नीचे है सरारा वाइट कलर का, तो वो वाला डाल लेगी है, तो मैं अपनी तैयारी कर लूँ और उससे पहले खाना पीना कर लूँ, भूख लग रही है, रायता बना रखा है बूंदी का, तो पहले पेट पूजा कर ले मैं, फिर देखूंगी चूड़ी वगैरह सेट कर दूंगी। तो ये देखिए भी एक सूट की तो ये वाली चूड़ी रेडी कर दी है, मैरून कलर का सूट है इस सूट के साथ, ये इसके साथ है, बहुत टाइम लग जाओ पहले ये सेट करके रख दिया तो फुर्सत है। और दूसरा है ये वाला ऑरेंज, अभी इसका प्रेस करनी बाकी है, तो इसकी ये वाले ऑरेंज कम है और गोल्डन है वो ज़्यादा चूड़ी, तो इसकी ये वाली चूड़ी तो कौन सी अच्छी लगी, ज़्यादा ज़्यादा मैचिंग मैचिंग कौन सी हो रही है, इतना टाइम हो गया, पूरी एक हो गया, और प्रेस करके और सूट भी रेडी करके रख दी। और जो तीसरे वाला सूट है जो करवा चौथ पे मैंने डाला था काई रंग वाला, उसके साथ मैं डालूंगी चूड़ा रेड कलर का और इनके साथ ये चूड़ी, तो भी रख दूँ और फिर प्रेस भी कर लूँ। और ये यहाँ पर बना रखे अभी इशिका ने एक फेस पैक, चावल का आटा है इसमें, चावल पीस रखे है, हल्दी है, शहद है और भी एक तो चीज़ होगी, तो भी ये उसने बनाया था, तो अभी मैं अपने चेहरे पे लगा लेती हूँ। वैसे तो भी मैं कुछ भी नहीं लगाती चेहरे पर ये देसी वैसी चीज़ें हैं, इनसे कुछ नहीं होगा, केमिकल वाली चीज़ बिल्कुल भी फेस पे यूज़ नहीं करती, तो आज ये वाला है लगा के देख रही हूँ, स्क्रब टाइप में हो जाएगा क्योंकि दरदरे है चावल की जो दानी है वो स्क्रब भी हो जाएगा और फेस पैक भी, शहद और हल्दी बेसन ये चीज़ें मिली हुई है, तो और टाइम हो गया है 1:30 बजे का टाइम हो रखा है, अपनी वीडियो एडिट करके मैंने डाली थी, और अभी जो अपना व्लॉग है वो मैं लैपटॉप में देखने लग रही हूँ, कपड़े थे वो प्रेस कर दिए हैं, जो धोए थे वो फोल्ड करके भी रखने हैं, और बड़ा ठंडा ठंडा कूल कूल लग रहा है लगाने से, 15 मिनट तक इसको भी लगा के रखूँगी, फिर बाद में धो लूँगी, और मेरे कपड़े के ऊपर ये आ रही है वापिस, तो भी लगा ली उसने। और भी 4:30 बजे का टाइम हो रखा है, मैं जा रही हूँ चाक पूजा है वहाँ पर, ये वाला मैंने सूट डाल लिया है, चूड़ी डाल ली है, फटाफट मैं बस इसी तैयार हुई हूँ और बाद में तैयार होंगे, लेट हुआ है मैं जाऊँगी, देखियो भी आगे की वीडियो बस चलो।
भागे भी वापिस घर पर, भागे भागे घर, भागे भागे आए, बहुत तेज आंधी आ रहा कि बिल्कुल अंधेरा हो गया, 5:15 हुई है, रात जैसा मौसम हो रहा है, बहुत तेज आंधी चलन लग रही है, सारा मजा किरकिरा कर दिया आंधी नहा कर, बस फटाफट गए थे और फटाफट आ गए, पूरे घर में किरकिर किरकिर हो गई, इतनी जोर आंधी आई, देखो वर्दी वर्दी के ऊपर डलना लग रही है और अंधेरा हो गया है बिल्कुल, पता नहीं बारिश भी आवेगी या फिर आंधी में सज जाएगा, बारिश आ गई तो सारा गुड़ गोबर कर देगी, पर वैसे तो भी बाटी कम है प्रोग्राम, इतना ज़्यादा वो है नहीं। और भी जड़ी कड़कल लग रही है तो वाटिका के लिए भी तैयार हो जाओगे भी थोड़ी बहुत देर में, जब तक शायद से मौसम साफ भी हो जाए, ना होगा तो भी जाना तो फिर भी है। देखो भी 5:30 का टाइम और इस तरह अंधेरा हो रहा है, कैमरे में तो फिर भी थोड़ी बहुत रोशनी दिखाई दे रहे हैं, घर घर में तो बिल्कुल गप अंधेरा हो गया, लाइट बंद कर दो, लाइट का कोई भरोसा है नहीं, आवेगी या रात के टाइम में नहीं नहीं आई तो भी मच्छर खा लेंगे, ये लाइट भी कर दी बंद, और यहाँ पर चक्की थोड़े से गेहूँ रह गए थे सुबह जब मन चलाई एक मुट्ठी के करीब, और अब उतार के लेकर आई थोड़े से ऊपर डाल रखे थे, लाइट बंद कर दे चिंकी सारी, कुछ भरोसा नहीं है लाइट का। पैर वो कर बंद, पैर मेरे जोड़े की कर दी जाए, आदमी की डाल बैठी है, चौमिन चौमिन डोंगे में गेर रखी थी वो हटा के खा दी, इतनी बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है, थोड़ी देर में जाऊंगी खाली हट बैठ के, बोली भी हेलो गाइस, हम लोग गए हैं शादी में, बस वो बाज गया, बस बस हो गया हो गया, कितना टाइम हो गया प्रतीक, बोली भी फिर मुंह कहेगी मैं नाल देनी हम मुंह ठाव गया, बस हो गया हो गया, गोल मटोल का वो लोग दे कर दिया, वो भी आ गया वो। तो अभी टाइम हो रखा है रात के 12:30 और हम आए थे शादी में, और अब वो शादी की एंडिंग आ गई है, मतलब दुल्हन जाने वाली है, उसको विदा करके हम जाएंगे, और ये मेरे भाई हैं कुछ, ये मेरी बुआ का बेटा है, ओए ये थोड़ा शर्मीला टाइप है, मेरी बुआ का बेटा, मेरे पड़ोसी में बेटा, और सच में ब्लॉग है और इसको नहीं पता था ये सच का ब्लॉग है, पर इसको आप देख लीजिएगा, और एक ये है हमारी रिया, कुछ कहना चाहेंगे मिस्टर और प्रतीक, नो मास्टर और प्रतीक, मास्टर यस यस, अब तक तो तू चटर चटर बोल रहा था, अब बोल ऑडियंस को दिखा तू कितना बोल रहे हैं, बोल ये एड नंबर गंदा गंदी, और अपनी कट, तो मैं बड़ा कौन सा ही पेज में पोस्ट कर दूंगी, हाँ हमने खाना खा लिया है, खाना हमारा खत्म हो गया है, नहीं खाने ना पूरा गेंडे रुक चाहिए गाइस बाय, देखो